अस्सलाम वालेकुम आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज़ द फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट एंड अंडर द हेडिंग ऑफ फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेल्ट्स एंड द मैकेनिज्म एसोसिएटेड टू द बेल्ट्स एंड पुलिस लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स डेट आर आल्सो बेसिकली द मैकेनिकल एलिमेंट्स बट फ्लेक्सिबल का जब वर्ड आ जाता है तो इसके अंदर स्पेसिफिक मैकेनिकल एलिमेंट्स आते हैं जो कि बेल्ट्स हैं रोप्स हैं और चेन्स हैं बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं सिमिलर कहते हैं कि एंड अदर सिमिलर इलास्टिक और फ्लेक्सिबल मशीन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कन्वेयर्स में यूज़ होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अवर आर लॉन्गर डिस्टेंसेस कैन भी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर गेयर शेफ्ट बेरिंग्स एंड अदर रिलेटिवली रिजिड पावर ट्रांसमिशन डिवाइस द यूज सिम्पीफाइज द डिजाइन ऑफ मशीन एंड सबस्टांशनली रिड्यूसिज द कोस्ट क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्पलैक्स नहीं है मैनुफैक्चरिंग ईजी है मटीरियल सिम्पल है इस वजह से इनकी कॉस्ट जो है कंपेरिटिव टू द गेयर कम होती है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इना एबजॉर्बिंग शॉक लोड ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है एंड डम्पिंग आउट एंड आइसोलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेशन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज एज वेल एज मशीन लाइफ इज कंसर्न बेल्ट क्या होते हैं बेसिकली दे आर यूज फॉर द लॉन्ग सेंटेड डिस्टेंसिज एक्सेप्ट फॉर द टाइमिंग बेल्ट देर इज समलिप एंड अच्छा अब बेल्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं उसका डिसएडवांटेज एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं स्लिप और क्रीप अब स्लिप और क्रीप बेसिकली हम इसको किस तरह डिफाइन कहते हैं लेट से मेरे पास ये एक पुली है इसके ऊपर मैंने एक बेल्ट को बाउंड किया हुआ है अब जब बेल्ट जो है इसके ऊपर से पास करेगी तो इसको पुल करेगी बेसिकली हम कहेंगे इसको अपनी तरफ खींचेगी जब इसको अपनी तरफ पुल करेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी सारे के सारे रबर के जो एलिमेंट्स हैं या उस बेल्ट के एलिमेंट हैं वो एक जगह इस तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे तो बेसिकली एक साइड मेरे पास क्या बन जाएगी टाइट साइड बन जाएगी और दूसरी साइड मेरे पास क्या हो जाएगी लूज साइड या फिर उसको हम क्या कहेंगे डेट विल बी द स्लैक साइड जब बेल्ट जो है टाइट साइड से स्लैग साइड या फिर स्लैग साइड से टाइट साइड में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो होती है बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिविंग शेफ जो होती है इज़ नाइदर कांस्टेंट नॉर नोर इक्वल टू द पुली डायमीटर्स उस वजह से वहाँ पे क्रीप का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस होता है सेकेंडली जब टाइट से स्लैग या स्लैग से टाइट साइड पे आती है तो अगर ग्रिप जो है वो प्रॉपर ना हो या इन ग्रिप हो बिटवीन बेल्ट एंड पुली, तो पुली जो है वो मूव करती रहेगी और बेल्ट जो है उसके ऊपर वो जो कोई पावर ट्रांसमिट नहीं करेगी आइडल मोशन आ जाएगी तो उस केस में हम क्या कहेंगे वहाँ पर स्लिप का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस हो गया सो so, लेकिन टाइमिंग बेल्ट अब टाइमिंग बेल्ट में क्या होता है इट इज़ सिमिलर टू द गेयर वहां पे गेट टीथ की तरह बेल्ट के ऊपर टीथ बने होते हैं उस वजह से स्लिप और क्रीप का फिनोमिना जो है वो नहीं होता और टाइमिंग बेल्ट जो है वो हम यूज करते हैं इंजन में फॉर एक्यूरेट मूवमेंट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ़ वेल इन सम केसेस एन आइडलर ऑन ए टेंशन पुली कैन बी यूज टू वाइड द एडजस्टमेंट इन सेंटरली नेसेटेटेड बाई एज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू बेल्ट तो उस केस में हम क्या कहते हैं एक आइडल पुलिस बीच में इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू तो ओवरकम दिस फिनोमिना अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बेल्ट होती हैं फ्लैट बेल्ट होती हैं राउंड बेल्ट होती हैं वी बेल्टस होती हैं और टाइमिंग बेल्ट होती हैं अभी फ्लैट राउंड वी हम किस स्पेस पे इसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है डेट इज सिमिलर टू द हमारे पास एक रबर बैंड की तरह रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है राउंड बेल्ट का क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है राउंड सर्कुलर होता है और वी का जो है हमारे पास ट्रिपजाइटल फॉर्म में होता है अब हमारे पास जो वेज होता है पुली का वो उसी शेप का डिज़ाइन होता है जिस शेप की हमारे पास हमने उसके अंदर बेल्ट को फिट करना होता है इनकेस ऑफ वी शेप जो वेज होगा डेट इज़ इन ऑफ द वी शेप डेफिनेटली तब भी उसके दरमियान ग्रिप जो है वो प्रॉपर होगी और स्लिप का फिनोमेना है जो उसको मिनिमाइज करते हैं इस वजह से ऑफ़ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है Flat and round belt kate, modern flat belt drive consists of a strong elastic core surrounded by an elastomer these drives have distinct advantage over the gear drives or the V belt drive a flat belt drive has an efficiency of about 98% which is about the same as for the gear drive so the efficiency of V belt drive ranges from 70 to 96% flat belt produces very little noise and absorb more torsional vibration from the system than either the V belt or the gear drives but this इस एडवांटेज फ्लैट बेल्ट का क्या आ जाता है कि स्लिप बहुत ज्यादा होती है ग्रिप प्रॉपर नहीं होती तो इस वजह से हम फ्लैट बेल्ट को मोस्टली प्रेफर नहीं करते वी मोस्टली प्रेफर द वी बेल्ट और द गियर ड्राइव्स अच्छा अब हम इसका एंगल निकालते हैं हमारे पास कांटेक्ट एंगल जो है फ्लैट बेल्ट के केस में बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इट कैन बी द ओपन बेल्ट ड्राइव और वी हैव अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव आपके सामने ये जो फिगर में शो की हुई है डेट इज़ द ओपन बेल्ट ड्राइव ओपन बेल्ट ड्राइव में हमारे पास क्या होता है कि जो ड्राइवर और ड्रिवन पुली है वो रोटेट करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन अच्छा अब यहाँ पे देखें जो बेल्ट जो है एंगल या जितना बेल्ट इसके ऊपर एंगल सबस्टेंड करती है पुली के ऊपर उस एंगल को हम कहते हैं कांटेक्ट एंगल कहते हैं एंगल ऑफ एम्ब्रेस भी कहते हैं और द कॉन्टेक्ट एंगल भी कहते हैं अच्छा अगर हम इसको फाइंड आउट करें बेसिकली इसको थोड़ा सा विजुअलाइज़ करें हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है स्मॉलर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर इज स्मॉल डी लार्जर पुली के लिए डायमीटर कैपिटल डी हो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर डिस्टेंस सी है और थीटा जो है थीटा डी होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर स्मॉलर पुली एंड कैपिटल थीटा डी जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लार्जर पुली तो हमारे पास ये एंगल बेसिकली किसके इक्वल आ जाता है अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ दैट विल बी द लार्जर पुली की अगर हम बात करें इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल ये पूरा एंगल जो है वो हमारे पास फॉर्म होगा अब ये एंगल क्या है वन एटी डिग्री सो कैपिटल डी आई कैन राइट वन एटी डिग्री प्लस अगर इस एंगल को मैं नाम दूँ लेट से आई कॉल दिस इज द एंगल एल्फा तो एल्फ़ा प्लस एल्फा टू एल्फ़ा आ जाएगा इसी तरह अगर हम स्मॉलर पुल की बात करें तो उस केस में जो एंगल बनेगा डेट विल बी दिस एंगल सो ये टोटल एंगल वन एटी है अगर ये भी एंगल एल्फा है तो स्मॉलर पुल के लिए एंगल आ जाएगा वन एटी माइनस

पैरेलल आ जाएंगे तो ये डिस्टेंस मेरे पास की आ, ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है ये स्मॉल डी है तो ये डिस्टेंस मेरे पास किसके कुल आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू डी माइनस डी तो कुछ ट्राइंगल इस तरह बनेगी ये पर पेंडिकुलर आ जाएगा ये डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारे पास इस तरह फॉर्म होगा अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा मेरे पास डेट विल आल्सो बी दट अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी अल्फ़ा आ जाएगा ये डिस्टेंस किसके इक्वल है डेट इज इक्वल टू सी ये डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा आर माइनस स्मॉल आर तो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ अल्फ़ा निकालें दिस इज द परपेंडिकुलर साइन ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा डेट इज इक्वल टू आर माइनस आर और हाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी और अगर हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट करें तो साइन ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू सी तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स कैपिटल डी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू सी तो ये हमने थीटा डी कैपिटल डी और थीटा स्मॉल डी जो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है डेट इज इक्व टू दिस वैल्यू अब लेंथ अगर देखें यहाँ से बेसिकली लेंथ ऑफ पुली क्या बनेगी सॉरी लेंथ ऑफ बेल्ट क्या बनेगी लेंथ जो कि लार्जर पुली के ऊपर कवर हुई है लेट्स इफ आई कॉल दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी आर्क लेंथ ए बी सी देन हमारे पास डिस्टेंस ये लेंथ जो है अब ये लेंथ अगर मैं इसको कह दूँ ये यहाँ पे ये बी सी है ये पॉइंट इसको हम नाम दे दें ई e, एफ जी तो आर्क लेंथ ई एफ जी ये आर्क लेंथ ई एफ जी और डिस्टेंस ए प्लस डिस्टेंस जी सी तो ये सारे डिस्टेंसेस को अगर हम सम करें तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है लेंथ का डेट इज इक्वल टू दिस सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द लेंथ एंड द एंगल ऑफ कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लैट एट द राउंड बेल्ट ट्राइव अच्छा अब हमारे पास एक थेरी प्रेजेंट की थी फिर बैंक ने फिर बैंक थेरी क्या कहती है जो हमने क्रीप का फिनोमिना डिफाइन किया था बेसिकली उसको एक्सप्लेन करती है वो कहती है चेंज इन बेल्ट डेंशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बेल्ट एंड पुलिस विल कॉस द बेल्ट टू अलोंगेट और कॉन्टेक्ट एंड मूव रेलिटी टू द सर्फेस ऑफ द पुली अभी मैंने बताया कि एक साइड हमारे पास क्या होगी टाइट साइड होगी और एक साइड क्या हो जाएगी स्लैक साइड या फिर लूज साइड बन जाएगी टाइट साइड पे सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जो लूज साइड है या स्लैक साइड है वहाँ पे क्या करके अलोंगेट गए हैं दिस मोशन इज कॉज बाय द इलास्टिक्रीब एंड इज एसोसिएटेड विद द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज अपोज टू द स्टैटिक फ्रिक्शन द एक्शन एट द ड्राइविंग पुली थ्रू डेट पोर्शन ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग पावर इज सच डेट द बेल्ट मूव मोर स्लोली देन द सर्फेस स्पीड ऑफ द पुलिस बेल्ट जो है जो सर्फेस पुलिस की स्पीड है उसे स्लोली मूव करेगी इट मीन्स पुल जो है वो रोटेट करती जा रही है बट बेल्ट उतनी पावर

Fairbanks theory. For the driving pulley, the belt first contacts the pulley with the tight side tension F1 and velocity V1, which is same as the surface velocity of the pulley. Definitely, this velocity says pulley rotate kar you See velocity ke saath belt pe rotate karyogi. The belt then passes through the idle arc with no change in F1 or V1. Koi power transmit hui. Then creep or the sliding contact begins and the belt tension changes in accordance with the friction forces. Or at the end, the effective arc of the belt leaves the belt pulley with a loose side tension F2 or reduced velocity F2. Fairbanks expressed the mechanics of flat belt drives in mathematical form and has verified the results by the experiment. Wo hai, more power is transmitted by the static friction than the sliding friction.

जो टेंशन की फोर्स एक्जर्ट हो रही है डेट इज एफ और हमारे पास उसके कोरोस्पॉिंगली उसके ऑपोजिट जो फोर्स होगी डेट इज द एफ प्लस डी एफ डी एन नॉर्मल फोर्स है बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, एफ डी एन जो है शेयरिंग फोर्स है ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ स्लिप थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डीएस इज द सेंट्री फ्यूगल फोर्स अब यहाँ पे क्योंकि बेल्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करिए तो वो इसको सेंटर की तरफ पुल करेगी इसको अपोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगी डी एस जो है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो है एक्ट करी होगी बी इज द बेल्ट वेथ टी इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट एम इज द बेल्ट मैस पर यूनिट लेंथ बेसिकली अब यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे के जी पर यूनिट लेंथ के जी पर मीटर यह हमारे पास बेल्ट का इसका यूनिट आ जाएगा अच्छा अब हम सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करते हैं वी नो डेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब हमने डी एस स्मॉलर सेंट्रीफ्यूगल पोर्शन उस पोर्शन के लिए ली है तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी इक्वल होती है डी एस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैस ऑफ द बेल्ट कैलकुलेट करना है अब मैस ऑफ द बेल्ट किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे के जी पर यूनिट लेंथ तो बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा एम पर यूनिट लेंथ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे तो मुझे बताया एल इज इक्व टू आर थीटा तो आर थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो द मैस ऑफ द बेल्ट विल बी इक्वल टू एम आर और यहाँ पे जो एंगल सबस्टैंड हो रहा है दैट इज़ द डी थीटा तो एम आर डी थीटा हमने पुट कर दिया इंटू आर ओमेगा स्केयर सो दिस विल बी एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर इंटू डी थीटा एम आर आर इंटू ओमेगा हमारे पास किसके कुल होता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा तो एम वी स्केयर इंटू डी थीटा और एम वी स्केर किसके कुल होता है डेट इज इक्वल टू द सेंटिफिकल फोर्स तो डी एस यहाँ से किसके इक्वल आ गया एफ सी इंटू डी थीटा लेट से आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब हम इसको रिजोल्व करते हैं अच्छा अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करें एक पोर्शन को अगर मैं देखूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या है लेट से दिस इज द फोर्स जो है डी एस फोर्स है अब यहाँ पे एक फोर्स एफ डी एफ एक तरफ एक्ट हो रही है और एफ की फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट हो रही है तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैंने इस फॉर्म में लेके तो मेरे पास ये एंगल कितना आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय टू तो बिटवीन डी थीटा बाई टू एंड इज द विल बी द डी थीटा बाई टू अच्छा इसको अगर हम रिजोल्व करें फोर्सेस को तो एक डायरेक्शन बनेगी उसकी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन और एक क्या होगी हमारे पास अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन अच्छा अब यहाँ पे जो डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं फोर्सेस की लेट से वो इज दिस इज सॉरी हमारे पास जो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्सेस हम लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव फोर्सेस अच्छा अब यहाँ पे फोर्सेस को रिजोल्व करें अगर हम रेडियल डायरेक्शन की बात करें अलोंग द रेडियल डायरेक्शन तो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही है डी एस के फोर्स है अलोंग द रेडियस ये टेंजेंशियल फोर्स है इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा एफ डी एफ इन टू साइन डी थीटा बाई टू और एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज़ एफ डी एफ कॉज थीटा बाय टू इसी तरह इस एफ को भी अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो मेरे पास एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा एफ डी एफ कॉस डी थी टू और एक हमारे पास क्या आ जाएगा एफ थीटा टू अच्छा अब हम फोर्सेस को अगर यहाँ से सम अप करें तो मेरे पास फोर्सेस जो आती हैं अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन डेट विल बी इक्वल टू सबसे पहले डी एस के फोर्स है पॉजिटिव आ जाएगी डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए प्लस नॉर्मल फोर्स आ जाएगी मेरे पास डी एन दिस इज द डी एन ये भी रेडियस की डायरेक्शन में पॉजिटिव है अच्छा अब ये देखिए हमारे पास ये एफ डी एफ है अब एफ डी एफ की फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है ये डायरेक्शन है एफ डी एफ की तो मेरे पास ये इसकी अब हम इसको रिजोल्व करें अगर तो एक कंपोनेंट मेरे पास ये आ जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट मेरे पास ये आ जाएगा इसका तो हमारे पास अलोंग द रेडियस माइनस ये फोर्स जो है साइन कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस और कोस कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा इसका पॉजिटिव ये डी थीटा बाय टू है तो ये क्या आ जाएगा साइन कंपोनेंट और ये क्या आ जाएगा मेरे पास कोस कंपोनेंट तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस एफ प्लस डी एफ साइन डी थीटा बाय टू माइनस अब यहाँ पे इस फोर्सेस के ऊपर आ जाएं इसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा और सेकंड कंपोनेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो अगेन दिस इज साइन कंपोनेंट है वो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस और कोस कंपोनेंट भी क्या होगा इसका माइनस होगा तो माइनस एफ साइन डी थीटा बाय टू अच्छा अब सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग टें Uh, हमारे पास रेडियल में हमने कर लिया अब नेक्स्ट जो है हम सारे की फोर्सेज जो हैं टेंजेंशनली उनको भी जीरो के इक्वल पुट करते हैं अच्छा अब टेंजेंशनली कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही हैं फर्स्ट जो है दिस इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एफ टी एन तो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस एफ डी एन अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास कौन सी फोर्स आएगी एफ प्लस डी एफ की वजह से जो फोर्स है वो पॉजिटिव आ जाएगी प्लस एफ़ प्लस डी एफ साइन डी थीटा बाय टू अब इसकी वजह से जो फोर्स आएगी डेट विल बी नेगेटिव तो माइनस सॉरी कॉस कॉस डी थीटा बाई टू माइनस एफ कॉस डी थीटा बाय टू अच्छा इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते दे हैं इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते दे हैं अब इक्वेशन नंबर टू में हम साइन डी थीटा बाई टू को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इक्वल टू डी थीटा बाई टू और हायर टर्म्स को अगर इग्नोर करें तो ये हायर टर्म है तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी जीरो डी एस प्लस डी एन माइनस एफ डी थीटा टू तो यहां से इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डी एन किसके इक्वल आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू डी एस माइनस सॉरी माइनस डी एस प्लस एफ इंटू डी थीटा ये इक्वेशन जो हमारे पास बन गई इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दें थ्री का अब इस इक्वेशन में देखें कोस डी थीटा बाय टू को इसमें डी थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें थीटा जीरो तो कोस डी थीटा बाय टू किसके इक्वल आ जाएगा वन की इक्वल आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ से ये इक्वेशन खत्म हो जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो माइनस एफ़ डी एन प्लस हायर टर्म्स को अगर इग्नोर कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा एफ uh, ये एफ इसके साथ माइनस एफ़ के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी मेरे पास रह गया डेट विल बी इक्वल टू डी एफ तो यहाँ से डी एफ किसके इक्वल आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू एफ इनटू डी एन आई कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर अब इक्वेशन नंबर फोर में डी एन की वैल्यू पुट की हमने ये डी एन की वैल्यू यहाँ पर सारी पुट की डी एस की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी वो पुट की तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है यहाँ से एफ डी एफ इंक्रीज करनी है या बेसिकली एफ जो है उसको अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा या तो मैस इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर विलॉसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा अच्छा उसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाती है अच्छा अब इसके ऊपर अगर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें बाउंड्री कंडीशंस क्या अप्लाई करें जब थीटा किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा कौन सी साइड होगी हमारे पास लूज साइड होगी तो इस इक्वेशन में अगर हम थीटा जीरो के इक्वल पुट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी तो ए हमारे पास आ जाएगा लेट से आई कॉल इसको एफ टू माइनस एक्सपोन ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा डेट इज इक्वल टू वन तो हमारे पास आ जाएगा एफ़ टू माइनस एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई इसको हम पुट करेंगे एफ़ ए की वैल्यू पुट की एफ टू माइनस एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर एक्सपोनेंट ऑफ एफ थीटा प्लस एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई फॉर बाउंड्री कंडीशन जब थीटा क्या है जीरो के इक्वल इसी तरह जब थीटा जो है कंप्लीट बेल्ट जो है उसके ऊपर कम एंगल सबस्टेंड करेगी एंगल ऑफ रैप बनाएगी कंप्लीट बेल्ट जो है पुली को कवर कर लेगी तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमने उसको पुट किया इक्वल टू फाइव तो उसके इसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनती है डेट इज इक्वल टू एफ टू माइनस थीटा को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया है फाइव के साथ उस इक्वेशन में इस इक्वेशन में सिंपली हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया है फाइव के साथ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी अब यहाँ पे देखें एफ वन माइनस इसको उस तरफ ले गए एफ़ वन माइनस एम आरस के रोमेगा स्केर इसको डिवाइड कर दिया एफ़ टू माइनस एम आरस के रोमेगा स्केर तो वो बेसिकली इक्वल आ गया इक्वल हो गया एफ़ एक्सपोनेंट ऑफ एफ फाइव एम आरस के रोमेगा स्केर किसके होता है एफ़ सी एफ सी हमने पुट किया तो एफ़ वन माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ टू माइनस एफ सी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट फाइव ऑफ एफ इन फाइव तो यहाँ से फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करें तो f1 वन माइनस एफ़ को अगर सेपरेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो डिवेलप हो जाती है बेल्ट <coughs> की स्पीड जो आती है डेट इज़ इक्वल टू पाई डी एन अवर ट्वेल्व फीट पर मिनट में एन इज़ द रोटेशनल स्पीड है डायमीटर ऑफ द पुली डी है वेट ऑफ द बेल्ट जो है डेट इज़ इक्वल टू ट्वेल्व गैमा बी इन टी पाउंड फोर्स पर फीट और गैमा क्या है डेट इज़ द स्पेसिफिक वेट या फिर उसको हम क्या कहते हैं वेट डेंसिटी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास किसके को ला जाती है मेगा जी वी अवर सिक्सटी होल स्केयर इस फार्मूला से हम स्पेसिफिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर देखें वो क्या कहते हैं एक बेल्ट है पोली हमाइट ए थ्री फ्लैट बेल्ट है सिक्स इंचज वाइड है इज यूज टू ट्रांसमिट फिफ्टीन होर्स पावर अंडर द लाइट शो कंडीशंस वेयर के एस इज इक्स टू वन पॉइंट टू फाइव अच्छा अब हमारे पास बेल्ट की विर्थ कितनी है बी सिक्स इंचज़ है कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है हॉर्स पावर फिफ्टीन के एस की वैल्यू है हमारे पास वन पॉइंट टू फाइव फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना रखना है वन पॉइंट वन द पुली रोटेशनल एक्सेस आर पैरल एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द शेफ्ट आर एट फीट अपार्ट मीन सेंटर डिस्टेंस कितना है एट फीट और नाइन्टी सिक्स इंचज द सिक्स इंच ड्राइविंग पुली रोटेड सेट सेवनटीन फिफ्टी स्मॉलर पुली का डाईमीटर कितना है सिक्स इंचिस और एंड डी कितना है सत्रह सौ पचास रेवोल्यूशन पर मिनट इन सच अ वे डेट लूज साइड इज ऑन द टॉप लूज साइड टॉप है या टाइट साइड जो है वो नीचे है ड्रिवन पुली का डाई मीटर कैपिटल डी है हमारे पास कितने एटीन इंचज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द अनकवांटिफाइबल एक्जिस्टेंस एस्टिमेट सेंट्रिफ्यूगल टेंशन एफ सी एंड टॉक अलाउबल टेंशन एफ वन एफ टू एफ आई एंड अलाउबल होर्स पावर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बता रहे हैं अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रिफ्यूगल टेंशन एफ सी फाइंड आउट करते हैं अब हमें बताए साइंटिफिकल टेंशन एफ सी किसकी इक्वल होती है अभी हमने फॉर्मूला देखा डैट इज इक्वल टू ओमेगा जी वेट बाई जी इंटू वी अवर सिक्सटी होल्स केयर अब हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है वी फाइंड आउट करना और ओमेगा फाइंड आउट करने वी मुझे पता है किसके इक्वल होता है इज इक्वल टू पाए डी एन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व पाए डी कितना है स्मॉल डी सिक्स इंचज एन है 1750 फिफ्टी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो यहाँ से वी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेट कम्स आउट टू सेवन फोर नाइन फीट पर मिनट ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई अब हमने क्या फाइंड आउट करना है ओमेगा अभी हमने देखा ओमेगा किसके कुलर ट्वेल्व गैमा इंटू बी इंटू टी विथ हमारे पास गिवन है सिक्स इंचिस अब हमें किसकी वैल्यू गैमा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जीरो पॉइंट जीरो फोर टू और टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है लेट्स से अगर गैमा बी हमारे पास गिवन ना होता टेबल सेवनटीन स्लेश टू हम यूज़ करेंगे बेल्ट का मटीरियल क्या है पोलियोमाइड ग्रेड क्या है ए थ्री है इसके कोरोस्पॉिंगली टी की वैल्यू कितनी है पॉइंट वन थ्री है हमारे पास हम यहाँ से पॉइंट वन थ्री जो है वो उसको लेंगे इसी तरह अगर मिनिमम डायमीटर पुली देखना तो है तो हमारे पास ये है अलाउबल टेंशन नहीं अच्छा और गैमा क्या है हमारे पास स्पेसिफिक वेट अगर न्यूमेरिकल में ना गिवन हो तो गैमा हम यहाँ से स्टेबल से लेते हैं डेट इज़ जीरो पॉइंट जीरो फोर टू सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व गेमा जीरो पॉइंट जीरो फोर टू टी हमने जीरो पॉइंट वन थ्री है और बी हमारे पास कितने सिक्स इंचज तो यहाँ से वेट की जो वैल्यू मेरे पास आ जाती है डेट विल बी इक्वल टू गैमा की जो हमारे पास वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री नाइन थ्री पाउंड फीट जीरो पॉइंट थ्री नाइन थ्री पाउंड फोर्स पर फीट ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्पेसिफिक वेट उसका हमने फाइंड आउट कर लिया अच्छा अब गैमा आ गया जी की वैल्यू वी भी है जी की वैल्यू क्या होगी थर्टी टू पॉइंट टू हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे थर्टी टू पॉइंट वन सेवन गेमा हमने जीरो पॉइंट थ्री नाइन थ्री वी भी निकाल लिया सिक्सटी तो हमारे पास यहाँ से सेंटिफिकल फोर्स किसके कल आ जाएगी ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स पाउंड फोर्स हमने यहाँ से निकाल ली अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है उसमें गिवन है फाइंड आउट हमने करना है टेन टॉर्क टी टॉर्क टी के लिए भी हमने फॉर्मूला ये देखा अभी निकाला सिक्स थ्री जीरो टू फाइव फोर्स पावर हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया है एच नोमिनल के एस एप्लीकेशन फैक्टर एंड डी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय द रेवोल्यूशन हॉर्स पावर कितने हैं फिफ्टीन के एस की वैल्यू हमारे पास वन पॉइंट टू फाइव है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पॉइंट वन है रेवोल्यूशन सत्रह सौ पचास है तो टॉर कितना आ जाएगा सेवन फोर टू पॉइंट एट फोर पाउंड फोर्स पर इंटू इंच आ जाएगा टॉर अच्छा अब हमने निकालना है टेंशंस निकालनी है ये आपके सामने एक स्टेप्स गिवन है इन स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए बेल्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है सबसे पहला स्टेप क्या यू हैव टू कैलकुलेट एफ टू फाइव चले हम सबसे पहला स्टेप इस यहाँ से हम स्टेप बाई स्टेप देखते जाते हैं और उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं अच्छा सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है वी हैव टू कैलकुलेट एफ इंटू एक्सपेनेंट एफ इंटू फाइव जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है सॉरी एक्सपेनेंट एफ इंटू फाइव अच्छा एक्सपेनेंट अब हमें सबसे पहले फाइव निकालना होगा फाइव डी हमारे पास फाइव किसके इक्वल आएगा डेट इज इक्वल टू पाई माइनस टू साइन ऑफ इनवर्स कैपिटल डी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू सी तो यहाँ से निकालते हैं पाई माइनस टू साइन ऑफ इनवर्स कैपिटल डी था एटीन स्मॉल डी है सिक्स डिवाइडेड बाय टू फीट एट इंटू ट्वेल्व फीट में था उसको मैंने इंचीज़ में चेंज कर लिया तो यहाँ से फाइव की जो वैल्यू आती है मेरे पास रेडियन में डेट इज़ जीरो थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स फाइव रेडियन अब एक्सपनेंट फाइव थीटा निकालते हैं अब हमारे पास एफ की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या गिवन है ज़ीरो पॉइंट एट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और थीटा हमने निकाल लिया तो यहाँ से देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक्सपोनेंट फाइव एफ थीटा निकाला वो हमारे पास कितना आ गया 11.17 पॉइंट वन सेवन अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास एफ पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय फाइव तो यह आ जाता है इलेवन पॉइंट सेवन अच्छा अब सेकेंड स्टेप देखें क्या है फ्रॉम द बेल्ट जोमेट्री फाइंड द स्पीड एंड फाइंड एफ सी हमने स्पीड भी निकाल ली एफ सी भी निकाल लिया देन हमने टॉर्क भी निकाल लिया बाई यूजिंग दिस फार्मूला हमने फर्स्ट थ्री स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर लिए नाउ मूविंग टू वर्ड्स द फॉर्मूला स्टेप नंबर फोर फ्रॉम द टॉक टी फाइंड द नेसेसरी फोर्स अब ये फार्मूला हमने देखना है हमारे पास कहाँ से है अच्छा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेल्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ लेट से पुली है ये बेल्ट की एफ वन है लेट से दिस इज द टाइट साइड ये जो है यहाँ पे टेंशन F2 है ये लूज साइड है मेरे पास तो मेरे पास F1 जो है यहाँ पे टॉक जो है वो T है ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आ गई तो जो F1 है टेंशन ऑन द टाइट साइड किसके को लाएगी बेल्ट के अंदर कुछ इनिशियल टेंशन होगी एफ आई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टेंशन एफ सी और टॉर्क की वजह से टेंशन उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा एफ बाई टू का टाइट साइड में अगर टेंशन एड हो रही है तो लूज साइड पे इसको लेट से हम नाम दें एफ आई प्लस एफ सी माइनस डेल्टा एफ बाई टू तो अगर फोर्स एफ है तो मुझे पता है टॉक किसके कुल होता है एफ़ इंटू डिस्टेंस डी अब यहाँ पे अगर पुल्ली का डायमीटर डी है तो मेरे पास ये किसके कुल आ जाएगा एफ आई प्लस एफ सी प्लस टी बाय डी और ये क्या आ जाएगा मेरे पास एफ आई प्लस एफ सी माइनस टी बाय

टू इज इक्वल टू टू टी बाई डी टी मैंने अभी फाइंड आउट किए इक्वल है डेट इज इक्वल टू सेवन फोर्टी टू पॉइंट एट और डी मेरे पास कितना है एट इंच तो एफ वन माइनस एफ टू कितना आ जाएगा टू फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स पास हमने निकाल लिया एफ़ वन माइनस एफ़ टू सो दिस इज़ द स्टेप नंबर फोर कि हमने एफ़ वन एफ़ वन माइनस एफ़ टू जो है वो फाइंड आउट कर लिया अच्छा अब हमने क्या निकालना है अब टेबल नंबर आ जाए सेवन अच्छा अब बिल्कुल यहाँ पे आ जाए कि हमने टेबल यूज़ करना है सेवन स्लैश टू सेवन स्लेश फोर और इक्वेशन सेवन स्लेश ट्वेल्व फाइंड आउट फाइंड करनी है टू डिटरमाइन एफ वन ए फाइंड आउट करने के लिए अब मेरे पास एफ वन एक्वेशन सेवन स्लेश ट्वेंटी ट्वेल्व जो है उसमें एफ वन ए वो कहता है किसके इक्वल है एफ वन ए जो है इज इक्वल टू बी विर्थ ऑफ द बेल्ट मल्टीप्लाई बाय द अलाउबल टेंशन हाइएस्ट अलाउबल टेंशन जो कि बेल्ट के, के अंदर पॉसिबल है एफ ए मल्टीप्लाई बाय द क्शन फैक्टर मल्टीप्लायदाला फैक्टर मल्टीप्लाई बैदा पुली कुरेक्शन फैक्टर सी पी अब वैल्यू ऑफ सी पी आपके पास गिवन है प्रॉब्लम है give, velocity correction factor वो कहते हैं पोलियोमाइट के लिए सी वी की वैल्यू होती है वन सी पी की वैल्यू देखनी है हमने पुलिक्शन फैक्टर दिस इज दोलियो ए थ्री अब डायमीटर हमारे पास किस रेंज के अंदर है हमारे पास स्मॉलर पुली का डायमीटर सिक्स है तो हमारे पास यहाँ पे आएगा तो ए थ्री हमारे पास हम कितनी वैल्यू लेंगे पॉइंट सेवन जीरो सी पी कितना आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन जीरो विर्थ ऑफ द बेल्ट मेरे पास गिवन है विर्थ ही मेरे पास इसकी आई गेस एट अच्छा विर्थ हमारे पास कितनी है सिक्स इंचिस एफ़ ए अब अलाउबल टेंशन हमें देखनी है बेल्ट के अंदर सो दिस इज़ द टेबल सेवनस्टीन स्लेश टू अब ए थ्री पोलियामाइट ए थ्री और उसके लिए अलाउबल हमारे पास थिकनेस साइज जो हमें ज़ीरो पॉइंट वन थ्री तो उसके लिए अलाउबल टेंशन कितनी होनी चाहिए हंड्रेड होनी चाहिए तो यहाँ से एफ़ ए कितना आ जाएगा हंड्रेड सी वी वन है सी बी पॉइंट सेवन है तो यहाँ से एफ वन ए मेरे पास कितना आ जाएगा वो आ जाता है फोर ट्वेंटी पाउंड फोर्स अच्छा अब यहाँ पे हमने स्टेप नंबर फाइव भी परफॉर्म कर दिया स्टेप नंबर सिक्स के ऊपर आ जाए एफ वन ए माइनस एफ वन ये फाइंड आउट करें एफ वन ए की हमने वैल्यू निकाली है ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है एफ वन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है फोर ट्वेंटी माइनस एफ वन इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी डेट इज टू फोर्टी 47.6 तो यहाँ से मेरे पास F2 की वैल्यू कितनी आ जाती है ये बेसिकली इसके इक्वल है F2 के स्टेप नंबर सिक्स में तो F2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 172.4 पाउंड फोर्स स्टेप नंबर सिक्स परफॉर्म कर लिए अब स्टेप नंबर सेवन पे आ जाए इक्वेशन I यूज़ करनी है इक्वेशन I के अंदर वो क्या कहते हैं हमारे पास एफ आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है एफ वन ए प्लस एफ टू डिवाइडेड बाय टू माइनस एफ सी एफ वन ए अभी हमने निकाला फोर ट्वेंटी एफ टू हमने निकाला वन सेवेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई टू एफ सी हमने निकाला ट्वेंटी तो यहाँ से एफ आई आ गया टू सेवेंटी एफ आई हमने निकाल लिया अब लास्ट में अब स्टेप नंबर आ जाए सेवन के ऊपर हमने परफॉर्म कर लिया स्टेप नंबर एट फ्रिक्शन डेवलपमेंट एफ डैश निकाल लें एफ डैश किस फॉर्मूले से निकालना है वन ओवर फाइव फाइव हमारे पास कितना थ्री पॉइंट अभी हमने निकाला जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव नेचुरल लॉग ऑफ़ एफ वन ए हमारे पास कितना है फोर ट्वेंटी एफ़ सी कितना है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स एफ़ टू हमने निकाला वन सेवेंटी टू पॉइंट फोर एफ सी ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स तो यहाँ से एफ डैश की वे जो वैल्यू आती है जीरो पॉइंट थ्री टू एट आती है अब हमने चेक करना है आइधर हमारे पास जो हमने एफ डैश निकाला है जो इक्वेशन सेवेंटी, हमारे पास जो टेबल है उससे ग्रेटर है यहाँ पर स्मॉलर है तो टेबल पर आ जाए ये टेबल है हमारे पास इसमें हमारे पास कितना होना चाहिए कॉफिशंट फ्रिक्शन कितना है पॉइंट एट गिवन है हमारा कॉफिशियट ऑफ फ्रिक्शन कितना है जीरो पॉइंट थ्री टू एट इट मीनस एफ टैश जो है वो स्मॉलर है जो कि गिवन कॉफिशियट ऑफ फ्रिक्शन है तो देयर इज़ नो डेंजर ऑफ द स्लिपिंग यहाँ पे स्लिपिंग के चांसेस जो है वो नहीं है स्टेप नंबर नाइन के ऊपर आ जाए फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एच ए भी है हमारे पास एच नॉमिनल इंटू के तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसने कितना गिवन था उसने कहा था सीड नहीं करना चाहिए वन पॉइंट वन से तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो वन पॉइंट वन से सीड नहीं कर रहा तो इट मीन्स हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो अलाउेबल रेंज में है सो so, आपने ये इन नाइन स्टेप्स को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे गिवन है उसको यूज़ करते हुए वन बाय वन जो है उनको फाइंड आउट करना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेल्ट